प्रदर्शनी में बहुत अच्छे मॉडल्स भी बनाए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है बच्चों को गाइड करने के लिए प्रॉपरली। और इसमें और इनपुट्स ये हो सकते हैं कि बच्चे जो डे टू डे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, उसको एड्रेस करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, और बनाते टाइम ये भी सोचें क्या वो इकोनॉमिकली फीजिबल है कि नहीं, सोशली एप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं। और ये स्कीम इट्स अ वंडरफुल स्कीम जो बच्चे से मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट हो सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनकी क्रिएटिविटी, वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम इन द कंट्री। इसका वेबसाइट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इंस्पायर मानक अवार्ड, इसका यूट्यूब चैनल भी है और पूरी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे है, जो अवार्डेड बच्चे हैं उनके प्रोटोटाइप्स भी मेंशन है, तो बच्चे से बेनिफिट हो और मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करें। सारे स्कूल्स और टीचर्स को इसका बेनिफिट लेना चाहिए बिकॉज DST से ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जाती है सारे स्कूल्स। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP News TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।